टमाटर के दाम बढ़ रखे हैं। कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता ने इस पर बयान दिया है, दाम कम होते हैं तुम कहते हो किसान को मार दिया। कमल गुप्ता ने कहा उतार चढ़ाव चलता रहता है। मंत्री कमल गुप्ता का ये बयान महत्वपूर्ण है। अब देखिए बरसात और बरसात के बाद ट्रांसपोर्ट पर असर, सीधा असर हर साल बरसात के सीजन में सब्जियों के दामों पर पड़ता है। इस साल भी दाम बढ़े हैं। कमल गुप्ता ने बढ़े हुए दामों पर जो बयान दिया है वो जरूर चर्चाओं में है। क्या कुछ कमल गुप्ता की तरफ से कहा गया वो आपको बता दें। उन्होंने कहा कि अगर दाम कम होते हैं तो लोग कहते हैं किसान को मार दिया गया, अब दाम बढ़ गए हैं तो भी हल्ला हो रहा है, उतार चढ़ाव चलता रहता है। मंत्री कमल गुप्ता का ये महत्वपूर्ण बयान है। टमाटर के बढ़े हुए दामों ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है और टमाटर के बढ़े हुए दाम चर्चाओं में भी हैं। आम जनता बढ़ती महंगाई को लेकर फिक्रमंद है और इसी बीच टमाटर के बढ़ते दामों की खबरों ने सियासत पर भी असर डाला है। मंत्री कमल गुप्ता का बयान, उन्होंने कहा कि टमाटर के दाम बढ़े हैं, अगर घटते हैं तो लोग कहते हैं किसान को मार दिया, अब बढ़े हैं तो हल्ला हो रहा है, उतार चढ़ाव चलता रहता है। मंत्री कमल गुप्ता की तरफ से ये बयान दिया गया है। कहते हो कि किसानों को मार कर दी, अब कोई चीज़ बढ़ती है तो कहते हो कि बढ़ गई, अब ये उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने भावांतर योजना भी दी है, MSP भी कितनी फसलों पर दी है, बहुत सारी चीज़ें हमने लाभ। तो टमाटर के बढ़े हैं दाम, रसोई का बिगड़ गया है बजट, आम जनता फिक्रमंद है कि बढ़ रही है महंगाई। इसी बीच मंत्री कमल गुप्ता से जब सवाल पूछा गया कि टमाटर के दाम बढ़ रखे हैं, उन्होंने कहा कि उतार चढ़ाव चलता रहता है, जब दाम कम होते हैं कहा जाता है किसान को मार दिया है, अब देखिए महंगाई बढ़ रही है तो हल्ला हो रहा है, उतार चढ़ाव चलता रहता है। मंत्री कमल गुप्ता की तरफ से टमाटर के बढ़े हुए दामों पर ये बयान दिया गया है। अब देखिए सियासत होनी लाजमी भी है, क्योंकि हर साल देखा जाता है कि बरसात के सीजन में सब्जियों के दाम बढ़ते हैं, सरकार पर दबाव रहता है कि महंगाई पर नियंत्रण किया जाए।